तो दोस्त अब जोमैटो कंपनी ने अपने डिलीवरी बॉयज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। जी हाँ गाइस, अब तक हो सकता है आपने जो है कि इस न्यूज, इस अपडेट के बारे में सुन लिया होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पिछले 20-22 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बहुत ही ज़्यादा बिजी, मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप ये मान करके चल सकते हो कि 2023 का फरवरी महीने का जो ये मेरा 22 दिन गुजरा है ना, चैनल पर बिल्कुल इनएक्टिव, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। ये जितना भी मेरा 20-22 दिन गुजरा है ना, ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सबसे वाहियात और सबसे बेकार दिन मेरे गुजरे हैं। बस कभी कमेंट वगैरह करोगे, मौका मिलेगा तो कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दिनों में मेरे साथ में आखिर में हुआ क्या है। खैर आज की इस वीडियो में थोड़ा सा अपडेट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जोमैटो कंपनी में होता और सारे डिलीवरी कंपनीज में होता क्या है कि डिलीवरी बॉयज के लिए कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता है, प्रॉपर स्थान कोई भी नहीं होता है बैठने उठने का, ठीक है। डिलीवरी बॉयज फील्ड पर रहते हैं बस, कभी जैसे ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं तो कभी इधर बैठ लिया, कभी उस चाय के खुखे पे बैठ लिया, कभी उस होटल पे बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, कोई उनको प्रॉपर स्थान नहीं मिलता है। मान लो उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो भाई फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो हो गया, अपने साथ में पावर बैंक कैरी करो, फ़ोन कहाँ, या तो फिर घर ले जा करके चार्ज करो। उनको पानी पीना है तो कोई नल वगैरह दिखा रास्ते में तो वहाँ पर जा करके पी लो, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बैठने उठने की व्यवस्था नहीं। अपने बाइक पर ही बहुत सारा तो मैंने ऐसे देखा है कि स्टैंड पर बाइक लगा करके उसी पे बेचारे बैठे हुए, उसी पे लेटे हुए, सोए हुए, कोई प्रॉपर स्थान नहीं। इस तरीके से मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जोमैटो कंपनी ने बहुत ही अच्छा सोचा, मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। अब जोमैटो कंपनी करेगी क्या कि अपने डिलीवरी बॉयज के लिए, डिलीवरी एजेंट के लिए प्रॉपर एक रेस्ट पॉइंट बनाएगी, ठीक है। मतलब जहाँ पर, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, चाहे जोमैटो का डिलीवरी बॉय हो, स्विगी का हो, बनाएगी जोमैटो कंपनी। हो सकता है इन लोगों ने अंदर से सबके साथ में फंडिंग इकट्ठा की हो, सारी कंपनी से लिया हो, वो अलग की बात है, लेकिन जितने भी फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉयज हैं, सारे जोमैटो स्विगी सर्टिफाइड जितने भी, सभी लोग आकर के उस रेस्ट पॉइंट पर जो है कि आराम कर सकते हैं। उस रेस्ट पॉइंट पर सुविधा क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला, बैठने उठने की पूरी व्यवस्था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। फ्री वाईफाई मिलेगी आपको, ठीक है, डेटा वगैरह खत्म हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फ्री वाईफाई मिलेगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। पीने का एकदम शुद्ध पानी आपको, ठीक है। उसके बाद में बैठने की व्यवस्था हो गया, पीने का पानी हो गया, चार्जिंग पॉइंट हो गया, आपका फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो, ठीक है। थोड़ा बड़ा मेडिकल की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसे आपको चोट चपेट लग जाए तो थोड़ा पट्टी वगैरह करने का, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकता है। कुछ कैंटीन वगैरह भी डाल दें छोटा मोटा उसी रेस्ट पॉइंट में, कि आपको कुछ खरीदना खाना हो तो वो भी आपको जो है मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारी जो मतलब आम चीज़ें हैं, जिसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मुहैया कराई जाएंगी डिलीवरी एजेंट के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये दीपेंद्र गोयल जो अपने जोमैटो के CEO हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, बहुत जल्द जो है कि इस पर काम भी चलने वाला है। आप लोग बहुत ही जल्द देखोगे कि जोमैटो के रेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि उसमें सारे डिलीवरी बॉयज, जोमैटो, स्विगी, साइडोफैक्स, रैपिडो फूड डिलीवरी जितने भी हैं, सभी लोग आकर के उसमें जो है कि रुक सकेंगे, कोई भी रोक छेक नहीं है वहाँ पर। बस आप कुछ होगा अंदर जाने का, FID वगैरह दिखाना होगा, ये सारी चीज़ें। तो कैसा लगा अपडेट थोड़ा सा बताना, और काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है यार, सच में बता रहा हूँ यार, ये जो 20-22 दिन मेरे गुजरे हैं ना, बहुत ही मैं याद नहीं करना चाहता हूँ यार। कभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। चलो ठीक है, फिर वीडियो शेयर कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सारी चीज़ें कर देना। हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।